एक्चुअली कनेक्शन ड्रॉप हुआ था, नाउ आई विल रिस्टार्ट अ लिटिल बिट। मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे कि जो हमारे पास अगर इन केस ऑफ समर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट इन सच अ वे कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमे, और इन केस ऑफ विंटर्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कनेक्ट इन सच अ वे कि ये एंटी ये क्लॉकवाइज घूमे। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज हम बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे मैंने आपको बताया दो चार ही कंपोनेंट इसमें रहते हैं जिसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट वन इज आवर वाइंडिंग्स, सेकेंड वन इज अवर कैपेसिटर। ठीक है, अब जैसे हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो आप एज पर माई इंफॉर्मेशन जो आपने इस हमारे इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, वो यूज ए कैपेसिटर स्टार्ट टाइप मोटर इन केस ऑफ सीलिंग फैन। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट इसमें रहता है। व्हाट डज दैट मीन कि जो हमारा कैपेसिटर रहता है दैट इज कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, हमारे पास अगर वाइंडिंग हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको चैट बॉक्स में भी लिखा है, मैंने ये आप अगर देख सकते हो आपके स्क्रीन के साथ मैंने शेयर किया है अभी, अगर ये आप देख सकते हो ये जो है हमारी, दिस इज अवर वाइंडिंग विच वी यूज इन केस ऑफ सीलिंग फैन। अगर आप सीलिंग फैन को खोलोगे तो आपको ऐसी वाइंडिंग अंदर से दिखेगी। जो हमारे पास आउटसाइड वाइंडिंग है उसको हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, और जो इनसाइड वाइंडिंग है, क्योंकि दो तरह की वाइंडिंग की है इस पे, अंदर वाली वाइंडिंग को हम जो है वो हमारे पास रहती है स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, आउटसाइड की वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग है, और अंदर की वाइंडिंग जो दूसरी वाइंडिंग है दैट इज अवर स्टार्टिंग वाइंडिंग। सो इसमें अगर आप देखोगे व्हाइट कलर की जो ये टेपिंग जैसी पड़ी हुई है, इट इज ए वी कैन से इट इज ए टाइप ऑफ पीवीसी पेपर। ठीक है, जर्नली हम डिफरेंट टाइप के पीवीसी पेपर इसमें यूज करते हैं, बट जर्नली इट इज नंबर्ड। हम जर्नली इसको 7 नंबर 10 नंबर वाली यूज करते हैं, इट 7 नंबर और 10 नंबर डिटरमाइंस इट्स थिकनेस। ठीक है, थिकनेस के हिसाब से जर्नली 7 नंबर वाले हम यूज करते हैं इसमें। अब आप ये और एक चीज देखोगे दैट दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग, या ये जो हम वाइंडिंग करते हैं इट इज डन ऑन स्टेटर। ठीक है, स्टेटर पे हम वाइंडिंग करते हैं, ये तो आपको पता ही है कि वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे होती है, और जो रोटर होता है वो रोटेटरी पार्ट होता है जो घूमता है। बट इन केस ऑफ सीलिंग फैन जो रोटर रहता है, जो मैंने आपको बताया, वो पहले ही आपका जो नीचे बेस प्लेट जैसा हमारे पास सीलिंग फैन का रहता है वो उसमें रहता है। ठीक है, उसमें फिट हुआ होता है, और ऊपर वाला स्टेटर पार्ट जो है उसकी मदद से जो रोटर नीचे है वो घूमता है, और रोटर के साथ क्योंकि नीचे जो असेंबली में हमारे पास ब्लेड्स लगे हुए हैं वो भी घूमते हैं। ठीक है, नाउ इसके साथ हम जैसे कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, आई विल शो यू द कनेक्शंस एज वेल कि हमें ये कनेक्ट कैसे करना है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग वाइंडिंग और जो हम रनिंग वाइंडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि रनिंग वाइंडिंग आउटसाइड करते हैं और इनसाइड हम हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, तो हम जर्नली इसमें जो वायर हम यूज करते हैं वो हम 35 AGW की यूज करते हैं। बट आपको ये भी पता होगा कि जब भी हम अमेरिकन वायर गेज के हिसाब से AGW के हिसाब से देखते हैं, अगर कभी कभार आपको कोई बताएगा कि मान के चलो हमारे पास एक वायर है 25 AGW और दूसरी है 50 AGW, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ वायरिंग सिस्टम जब हम AGW में जाते हैं, अमेरिकन वायर गेज AWG उसमें हम जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना हम हायर नंबर लेंगे उतनी उसकी थिकनेस कम होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन जनरल टर्मिनोलॉजी देखें, 5 बड़ा है कि 10 बड़ा है। ठीक है, बट इन केस ऑफ वायर गेज आपको वायर गेज में ये ध्यान रखना है कि जब भी हम बताएंगे 5 बड़ा है, मतलब डायमीटर ऑफ 5 इज मोर और 10 इज मोर, व्हाट यू हैव टू डू, आपको सीधे ये बताना है कि डायमीटर 5 का बड़ा होगा ना कि 10 का। ठीक है, जितना आप हाई डाया में जाओगे, जितना आप अमेरिकन वायर गेज ऊपर ऊपर जाएगा, तो उसमें आप ये देखोगे कि जितना डाया जितना नंबर ऊपर चला जाएगा उतना डाया कम हो जाएगा। जर्नली 35 नंबर की तार इसमें हम यूज करते हैं, कॉयल यूज करते हैं और वही वाइंड करते हैं। इट इज डन इन अल्टरनेट स्लॉट्स, जो आपने मतलब पढ़ा भी होगा कि जैसे हमारे पास पोल्स रहते हैं। ठीक है, मोटर्स में आपने पोल्स पढ़ा होगा, 2 पोल, आपने पिच पढ़ा होगा। ठीक है, जनरली वो उसमें बात होती है, तो जो नंबर ऑफ स्लॉट्स रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, किसी में मतलब ये 4 से स्टार्ट होता है, 4 स्लॉट के रहते हैं, 8 स्लॉट के रहते हैं, 16 स्लॉट के रहते हैं, 24 स्लॉट्स के रहते हैं, 36 स्लॉट्स के रहते हैं,
और 12 से 14 स्लॉट्स के भी रहते हैं, और 12 से 14 वाले स्लॉट्स हम इसमें मतलब सीलिंग फैन में ज्यादातर देखते हैं। अगर आप अभी देखोगे तो अगर हम इसके जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई इसकी स्लॉट गिनते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, वो हैव 16 स्लॉट्स। ओके, सो इसमें 16 स्लॉट्स है, 12 से 14 वाले स्लॉट्स भी हम यूज करते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट इसमें आपको ये चीज और एक चीज याद रखनी है कि ये जो हमारे पास वाइंडिंग रहती है, हम स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज करते हैं और इसमें एक रनिंग वाइंडिंग होती है। जनरली दो दो वाइंडिंग इसमें यूज करते हैं, स्टार्टिंग के दो वाइंडिंग और रनिंग के दो वाइंडिंग इसमें रहते हैं, ठीक है, और वो कंबाइन होके हमारे पास आउटपुट में निकलते हैं। बट अगर नॉर्मल सीलिंग फैन की बात करें तो आप एक ही रनिंग वाइंडिंग यूज कर सकते हो और एक एज ए स्टार्टिंग वाइंडिंग यूज कर सकते हो, ठीक है। आप डबल में भी यूज कर सकते हो और सिंगल में भी यूज कर सकते हो, इट विल डिपेंड ऑन यू कि आपका ये जो सीलिंग फैन है ये कितना बड़ा है और इसके नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं और आप कैसे अरेंजमेंट कर रहे हो। बट जो मैं आपको कह रहा हूँ स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, उसमें आपको ये चीज जो कनेक्शन का मैटर रहता है, कनेक्शन देखना जरूरी है कि हम जब ये कनेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। सो फॉर दैट आई विल शो यू सम स्लाइड्स। लेट अस गो थ्रू द डायग्राम फर्स्ट। देखो अंदर वाली मैंने जैसे आपको बताया, अंदर जो है हमारे पास स्टार्टिंग वाइंडिंग रहती है और बाहर जो है हमारे पास रनिंग वाइंडिंग रहती है। ये दोनों स्टार्टर पे इस्तेमाल होते हैं। ऊपर आप देखोगे बियरिंग लगी हुई है, ठीक है। अगर आप इसी के यहाँ देखोगे राइट साइड देखोगे वो है डायग्राम एज वेल। फर्स्ट अगर आप देखोगे स्टार्टिंग वाइंडिंग है, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद फेज। नीचे से अगर आप देखोगे कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। बीच में जो गोल दिखाया गया है इट इज रोटर, एंड फेज इज आल्सो कनेक्टेड विद रनिंग वाइंडिंग, ठीक है। दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ ए सीलिंग फैन। अगर कोई आपको बताएगा कि आप सीलिंग फैन की डायग्राम बनाओ तो आपको ऐसे ही बनानी है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कनेक्ट न्यूट्रल। अगर आप न्यूट्रल से कनेक्ट कर रहे हो या कैसे, मतलब आप दिखा सकते हो दैट यू आर कनेक्टिंग फर्स्ट स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड देन वन कॉयल, वन एंड कॉयल ऑफ, वी कैन से दैट वन एंड ऑफ रनिंग वाइंडिंग कॉयल एंड वन एंड ऑफ स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉयल, इनको आप आपस में जोड़ के एक कॉमन बना रहे हो। और आप क्या क्या कर रहे हो, जो कैपेसिटर का आउट निकल रहा है उसको आप एक फेज दे रहे हो आगे से, बिकॉज फेज हम तभी देंगे जब हमको स्विच कनेक्ट करना होगा, वो हम नीचे से दे रहे हैं आप देख रहे होगे। और बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है और रोटर क्योंकि फ्री रहता है, रोटर इज फ्री फॉर मूवमेंट, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं रहता है तो रोटर घूमता है। दिस इज द बेसिक कैपेसिटर कनेक्शन डायग्राम ऑफ ए सीलिंग फैन। यू कैन चेक, आई विल शेयर दिस विद यू एज वेल। बट इसमें अगर हम अब देखेंगे कि जर्नली हम कैसे कनेक्ट करते हैं, आई विल शो दैट टू यू एज वेल। देखो हम जर्नली क्या करते हैं, अगर हम अपना फैन देखेंगे, लेट मी शो यू सम गुड स्लाइड। हाँ, अगर हम फैन हम देखेंगे तो अंदर से क्या निकल रहे होंगे, चार तारे निकल रहे होंगे। चार तारे क्यों निकल रही होगी, बिकॉज यू नो देयर इज वन स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड देयर इज वन रनिंग वाइंडिंग। जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी उसकी दो तारे निकलेगी और हमारी रनिंग वाइंडिंग की दो तारे निकलेगी, इट्स ए कॉमन सेंस, ठीक है। हम स्लॉट्स में वो कैसे डालते हैं, स्लॉट्स जो मैंने इससे पहले आपको बताया कि पहले हम क्या करते हैं, हम एक कॉयल लेते हैं, ठीक है। हमने वो पहली क्या होता है, जो रोटर स्टेटर हमारा खाली रहता है उसमें हम वही पीवीसी, जो हमारे पास पीवीसी जो हमारे पास पेपर रहता है 7 नंबर का होगा या 10 नंबर का होगा, वो उसमें डालते हैं। उसके बाद हम वहां पे वाइंड करते हैं, वी गिव द नंबर ऑफ टर्न्स एज पर आवर, जो हमारे पास डाटा शीट रहता है उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्न देते हैं। उसके बाद दूसरे स्लॉट में फिर टर्न देते हैं, तीसरे स्लॉट में फिर टर्न देते हैं, उतने टर्न देते हैं, एंड एट द एंड क्या होता है कि टर्न कंप्लीट करके स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो टर्मिनल निकलेंगे और जो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग है उसके दो टर्मिनल आएंगे, ठीक है। मींस टोटल में जो बाहर आप देखोगे सीलिंग फैन के बाहर आपके चार टर्मिनल आएंगे, जो चार टर्मिनल अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है।
रेड कलर से, जैसे आप मान के चलो दिस इज योर रनिंग वाइंडिंग, और अगर जो हमारे पास ब्लैक कलर की है वो मान के चलो आप दिस इज योर स्टार्टिंग वाइंडिंग, ठीक है। इसके बाद हमें जब कैपेसिटर कनेक्ट इसके साथ करना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करेंगे, हम पहले एक तो कॉमन करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल मेक कॉमन। कॉमन कैसे बनाएंगे कि हम स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल और हमारे रनिंग वाइंडिंग का एक टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देंगे, और वहां पे क्या बचे हमारे पास, दो टर्मिनल्स। दो टर्मिनल जो बचे उनको हम क्या करेंगे, जो दोनों टर्मिनल हमारे पास बचे हैं उनको हम एक तो हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले को भी हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे। ये कंप्लीट कनेक्शन है। इसके बाद हमें, क्योंकि आपको पता है कि अब हमें क्या करना है, जो आप नीचे एक स्लॉट जैसा देख रहे होंगे जो साइड में लगा रहता है व्हाइट कलर का रहता है, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हमने एक जो कॉमन बनाया है, कॉमन हम जर्नली न्यूट्रल को देते हैं, ठीक है। जो हमने कॉमन बनाया है उसके साथ हम न्यूट्रल कनेक्ट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, आई विल शो यू एग्जैक्टली लाइक दिस, एक सेकेंड। हाँ, ये जो बीच वाला है, ठीक है, बीच वाला जो हमारा, इसमें पांच पोर्ट आप देखोगे, इन जो हम करते हैं, क्योंकि इन हमें दो तारे करनी है, ठीक है, जो हमारे पास सप्लाई से आ रही होंगी, फेज और न्यूट्रल, दैट हैज टू बी यूज्ड ऑन दिस साइड, ठीक है। जो हमारा राइट साइड है, एक्सट्रीम राइट है, उसमें हमें दो पॉइंट दिए हैं और लेफ्ट में हमारे पास तीन पॉइंट दिए हैं। जो हम कॉमन बनाते हैं, दोनों को कॉमन करके वो एक टॉप में हमें यूज करना है और आगे से हम न्यूट्रल देंगे। इसमें कोई न्यूट्रल और फेज का कोई चक्कर नहीं रहता, यू कैन यूज इट डायरेक्टली। आप क्या करोगे, जैसे ही हमारे पास एक तो दो कॉमन आ गए, कॉमन मतलब जो मैंने स्टार्टिंग और जो रनिंग वाइंडिंग को कॉमन बना दिया, दोनों आपस में जोड़ दिए, वो हमें एक बीच वाले के नीचे जो टर्मिनल है वो उसमें अटैच करना है और कनेक्ट करना है, और जो हमारा बीच वाला है उसमें हम क्या करेंगे, जो कैपेसिटर से एक कनेक्शन निकल रहा होगा वो हम उसमें कनेक्ट करेंगे, लाइक दिस। देखो, जो कैपेसिटर से एक कनेक्शन निकल रहा है और एक जो ब्लैक वायर है जो मैंने उसके साथ कनेक्ट की है, वो मैं डायरेक्टली अपने जो सेंटर वाला पार्ट रहता है इसका, वो मैं उसमें कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो दूसरा वाला मेरा निकल रहा है जो कॉमन मैंने किया है, वो मैं टॉप में या बॉटम में लगा सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। और तीसरा वाला जो मेरे पास निकल रहा है वो मुझे नीचे वाले में कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट यूर वी कैन से आउटपुट कनेक्शंस, ठीक है। इनपुट कनेक्शन में क्या करना है, मुझे फेज और न्यूट्रल डायरेक्टली इसको देना है, ठीक है। आई विल गिव फेज एंड न्यूट्रल टू द टू पॉइंट्स, और मेरा क्या है, ये फैन चलना शुरू कर देगा। इन केस जो मेरा मोटर है इसमें, इन केस जो मेरा सीलिंग फैन है, अगर ये काउंटर क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, अगर अब क्वेश्चन ये आता है, सर अगर हमें फैन को काउंटर क्लॉकवाइज चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओनली डू वन थिंग, वी हैव टू चेंज द कनेक्शन ऑफ द फेज फेज विद द कैपेसिटर। जहां पे आपने फेज कनेक्ट कैपेसिटर को किया है, आपको खाली वो तार दाएं बाएं करनी है, मतलब आपको वो उठा के दूसरे पोर्ट में डालनी है और कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करनी है। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू विल सी कि जो इसकी रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज में जाएगी और क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज में जाएगी। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज बताओ। नो सर, ठीक है, ये समझ आ गया, मतलब yes, sir. हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग एक है, हम जो जिसको हम स्टार्टर वाइंडिंग कहते हैं, और दूसरी रनिंग वाइंडिंग है, ठीक है। दोनों स्टार्टर जो हमारे स्टेटर होता है, STATOR, स्टेटर पे दोनों वाइंडिंग्स लगी होगी, वहां से चार तारे निकल आएगी, जो चार तारे निकल आएगी उसमें से दो स्टार्टिंग वाइंडिंग की होगी, दो रनिंग वाइंडिंग की होंगी, उसमें से एक जो स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है वो हम आपस में जोड़ देंगे, कॉमन एक हिसाब से बना देंगे, ठीक है। और उसके उसको हम न्यूट्रल कनेक्शन देंगे, वो आप कनेक्टर के थ्रू दो या डायरेक्टली दो, उसमें कोई इशू नहीं है, आप उसको न्यूट्रल कनेक्शन दे दोगे। जो दो बच गए वहां से, उन दो को हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे, उसमें से उन दोनों में से हम एक पे फेज का कनेक्शन दे देंगे। अगर उन दोनों में से जिस पे हमने फेज का कनेक्शन दे दिया, और आगे से क्या आप देख रहे हो कि जो हमारा फैन है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज मोशन चाहिए, तो जिसके साथ हमने फेज कनेक्ट किया है वहां से उठा के हम फेज दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। इसमें कोई डाउट है यहां तक? नो सर। किसी और को डाउट?
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये घरों में भी हमारे साथ ऐसी चीजें होती होती है। कल को आप घर में आपका फैन खराब हो जाता है तो आपको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है कि मतलब एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा फैन लगा हुआ है घर पे, तो हम इसका जो जैसे कैपेसिटर लगा है, कभी कभार कैपेसिटर फॉल्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि कैपेसिटर जो है वो एसी को पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, इतना पता है आपको? यस सर, यस सर। हाँ, क्यों करता है? सर उसकी टेंडेंसी होती है वो बिकॉज ऑफ द नहीं, टेंडेंसी मतलब क्या है? टेंडेंसी किस चीज को कहेंगे? देखो इन सिंपल टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कैपेसिटर हमारा रहता है, उसमें दो प्लेट्स रहते हैं, ठीक है। कैपेसिटर के नॉर्मली दो प्लेट रहते हैं, आप कोई भी कैपेसिटर यूज कर लो, ठीक है, वी हैव टू प्लेट्स। तो क्या रहता है, जब हम डीसी को पास करते हैं, व्हाट हैपेंस कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे जमा होते हैं और दूसरी तरफ से जो पॉजिटिव हमारे पास, क्योंकि करंट फ्लो रहता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट एज वेल एज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये आप याद रखो, ठीक है, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो होता क्या है कि ये जो कैपेसिटर है, ये धीरे धीरे जब हम डीसी सप्लाई देते हैं तो ये धीरे 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 व्हाट हैपेंस इट गेट्स चार्ज्ड, ये अप टू फुलेस्ट लेवल चार्ज हो जाता है। जैसे आप 12 वोल्ट बैटरी की सप्लाई दे रहे हो और जो इसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी हमारी कैपेसिटर की होगी, जो हम डिटरमाइन करते हैं इन फैराड्स, ठीक है, कैपेसिटर की कैपेसिटी हम डिटरमाइन करते हैं फैराड्स में, तो ये अपने जो इसका टॉप लेवल होगा ये उस तक पूरा चार्ज हो जाता है बाय द वर्च्यू ऑफ दिस डीसी वोल्टेज। और उसके बाद ये क्या करता है, ये क्योंकि फुल चार्ज है, ये करंट को आगे या पीछे जाने नहीं देता। That's why we call it as a blocking capacitor. Capacitor DC को block करता है, while as in alternating current, क्योंकि उसमें cycles change होते रहते हैं, तो ये AC को easily pass कर देता है। This is one of the most easiest and the simplest explanation of why capacitor blocks DC and why it allows DC. ये बात मेरी समझ आ गई, क्योंकि DC एक ही direction में, DC की frequency zero होती है। You can also also define it by means of reactance as well. क्योंकि आपने पढ़ा होगा reactance के बारे में, अगर पढ़ा होगा XC is equal to 1/2 pi FC, जहाँ पे हमारा FC जो नीचे जो frequency का parameter हम use करते हैं, in case of DC it is zero. That's why अगर हम किसी भी चीज को zero नीचे रखेंगे तो वो blocking बन जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये आ जाता है यहाँ पे कि अगर हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं तो अगर मान के चलो ये कैपेसिटर खराब हुआ है, कनेक्शन तो मुझे समझ आ गए, कनेक्शन में मेरा इजिएस्ट पार्ट मैंने आपको समझाया, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो अंदर से चार तारे आएंगी, दो हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग की होंगी, दो रनिंग वाइंडिंग की होगी, स्टार्टिंग का एक उठा के और रनिंग का एक उठा के आपस में हम वो जोड़ देंगे, वो हम न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो बाकी के दो तारे हैं, जो दो तारे निकल रहे हैं, उनको हम डायरेक्टली कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और उसके साथ किसी भी एक तार में हम फेज कनेक्ट कर देंगे। अगर हमें काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा है और मुझे क्लॉकवाइज में लाना है, तो फेज उठा के दूसरे जो कैपेसिटर का पॉइंट है उसमें मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक एंड द सिंपल। सर, सर हमारा जो फैन है ना, मतलब कभी धीमी रफ्तार से चलता है, क्या मसला है? क्या वही उसी पे मैं आ रहा हूँ उस पे। ये है कि देखो, अब इसके बाद जो हमारे घरों में बहुत प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे मेरे पास कैपेसिटर है, ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि अगर हम विदाउट कैपेसिटर अपना फैन चलाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कैपेसिटर क्या इश्यूज लाएगा, बिकॉज कैपेसिटर एक हिसाब से इसको क्या करते हैं कि क्योंकि हमारे पास हम जनरली सिंगल फेज पे फैन चलाते हैं, ठीक है, और जो सिंगल फेज सप्लाई हमारे पास है उसमें क्षमता नहीं होती है कि वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाए, ठीक है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। कैपेसिटर जो मान के चलो आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, ये एक हिसाब से इसको टू फेज बना लेता है। कैपेसिटर की जो टेंडेंसी रहती है वो ये रहती है कि हम जब हम पढ़ते थे तो हमें टीचर ने एक टर्मिनोलॉजी सिखाई थी, आई लव यू, ठीक है, ILV, मतलब इन केस ऑफ कैपेसिटर ILV, अगर हम देखेंगे इन कैपेसिटर करंट लैग्स वोल्टेज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, करंट लीड्स वोल्टेज, सॉरी। तो आपको क्या करना है इसमें कि जैसे ही हम इसको टू फेज बनाते हैं तो
तो टू फेज से क्या होता है कि जो हमारा मोटर रोटर है वो जो स्टेटर है एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अंदर से बन जाता है और हमारा रोटर घूमने लगता है। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप कैपेसिटर यूज नहीं करोगे व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मैन्युअली पुश यूर फैन। अगर आप हाथ से भी धक्का दोगे कि इसको स्टार्ट मिल जाए तो ये फिर ऑटोमेटिक चल पड़ेगा, बट यू विल टर्न योर सप्लाई ऑफ एंड देन यू विल टर्न योर सप्लाई ऑन, ये नहीं चलेगा। उस केस में क्या होता है कि मान के चलो आप कैपेसिटर है और लगा है और खराब है, तो क्या होगा आपका जो फैन है वो एक हमिंग साउंड देगा, तदगसी जो है तत्वतन ब्लेडन थर थर हिच, मगर सुह पकित कहते वो इंडिकेशन हमारी रहती है कि ये जो कैपेसिटर हमारा है कैपेसिटर खराब है। कैपेसिटर को आप कैसे आप टेस्ट करोगे, दैट इज द मेन पॉइंट। आपको सिंपल में क्या करना है, तो चुकी कैपेसिटर काटू नबर, ठीक है। जब आपने ये कैपेसिटर बाहर निकाला यू हैव टू डायरेक्टली पहले क्या करना है, आपको कैपेसिटर को आपस के जो टर्मिनल इसके दो होंगे उनको शॉर्ट करना है। यूथी तुम दोनवनी शॉर्ट करियो, अगर अथ थोड़ा स्पार्क वर्स ये जन जो कैपेसिटर उसमें ठीक, वन चु मे चेक कर कैपेसिटर पजी ठीक कि ना, अगर न स्पार्क वर्स ये जन जो कैपेसिटर मतलब इनिशियली इत पे खुदा रचिन कह बेमार पो हॉस्पिटल निवान तमिश गोंथी डॉक्टर दमा नजे यशी वारिया बेमार इनस बचने के चुना दबान डॉक्टर जनरली गो सुगो इनिशियल एग्जामिनेशन। इनिशियल एग्जामिनेशन आप क्या कर सकते हो, तू करियो काम कैपेसिटर कोड अतकोर पानवेन दोन तारन कनेक्ट, व्हाट विल हैपन अगर स्पार्क उठी जनजो कहता दलील छस, अगर न वच कीन जनजो आछे तेले बर्ड प्रॉब्लम। इसके बाद दूसरा स्टेप जो इसमें आता है, आपको डायरेक्टली ये कैपेसिटर उठा के इंसर्ट करना है अपने पावर प्लग में, ठीक है, पावर सॉकेट में। जब आप अपने पावर सॉकेट में इसको इंस्टॉल करोगे व्हाट यू विल सी देयर कि वहां पे अगर आपको दो चार सेकंड के लिए उसमें रखना है, इट विल डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अगर ज्यादा बोर्ड कैपेसिटर छु तेल हूँ तुम तरह चतजी सेकंड पंद सेकंड थे, अगर न ये तीचा कैपेसिटी हूँ छु लकुट तेल थो दह पंद सेकंड थो यूथी तुम नबर कड़ून आफ्टर वर्डस तुम करू बे टच। अगर अम स्पार्क दिज इट मीनस ये डिस्चार्ज और चार्ज हो रहा है, कह तरह मे कत समझ हेलो आवाज आ रही है मेरी आपको कह तरह मे समझ बह क्या दपान कैपेसिटर कथ पे करो टेस्ट बस वही तो है, बात है ना आप बताते नहीं हो। देखो कैपेसिटर हमारे पास है, ठीक है, फैन ओके है, वाइंडिंग ओके है, मे फैन त्रो मैं ये अगर ये हमिंग साउंड हावी हावी गचान रोटर छुन मतलब फैन ब्लेड ऐसे चल रहे हैं जैसे खुदा रचिन तुम बुनुल गा तम हिलान सोर यह हिल हिलानी योत फैन नचान कह इट मीनस 50% चांसेस आर दैट योर कैपेसिटर इज फॉल्टी। आपको ये कैपेसिटर निकालना है, कैपेसिटरस आसान ज कनेक्शन, ठीक है, कैपेसिटर के हमेशा मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाता हूं, देखो ऐसा रहता है, ठीक है, इस तरह का रहता है कैपेसिटरस, नहीं ये वाला नहीं है दूसरा वाला है, ये कुछ नया है, इस टाइप का रहता है, ठीक है, युथ हुई, ठीक है, ऐसा कैपेसिटर रहता है। इसके दो कनेक्शंस होंगे, दो टर्मिनल होंगे, आपको क्या करना है ये दोनों टर्मिनल उठा के पहले आपको आपस में शॉर्ट करने हैं। अगर स्पार्क इसने दी इट मीन्स कुछ बात तो है, अगर मतलब ठीक है, ठीक नहीं कह सकते, इसके बाद दूसरा चेकअप होगा। अगर पहली कंडीशन में ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है इट मीन 90% चांसेस आर दिस इज फॉल्टी। अब चेक कैसे, कंप्लीट चेक कैसे होगा, व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये दो वायर्स उठानी है और आपके सॉकेट में लगानी है, घर के जो पावर सॉकेट होगा उसमें आपको ये लगानी है। जब आपने दोनों में लगाया यू हैव टू वेट फॉर 30 और 40 सेकेंड्स, आपको ये दोनों निकालनी है। अथनी ने खुदा रशन टास कहते कुछ टाइम के लिए 30 और 40 सेकंड्स के लिए आपको रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद निकाल के आप दोनों को फिर टच करोगे, जब आप दोनों कनेक्शंस को फिर टच करोगे अगर स्पार्क दिखाई बे लगुन पावर सॉकेटस बे करून वापस बे करू टच, अगर फिर से स्पार्क दिखाई मींस कैपेसिटर इज ओके देर इज सम फॉल्ट इन वाइंडिंग, अदरवाइज अगर इसने स्पार्क नहीं दिखाई इट मीन्स योर कैपेसिटर इज डेड, तो कैपेसिटर को आपको चेंज करना पड़ेगा। उतना तो रहा मैं एक समझ, हाँ,
अब इसमें और एक चीज आपको ये देखनी है कि कभी कभार क्या रहता है, जो ये कैपेसिटर हमारा रहता है, तो दपो सर ऐसे से वाइंडिंग थी ठीक सॉरी ठीक फैन चलान तो तो लगे मन से प्रॉब्लम गसान इस पर वनी दपो कम तान तथा मेन रीजन आसान कि जो वहां पे इनपुट वोल्टेज होगी, इनपुट वोल्टेज वहां पे कम होगी, इनपुट वोल्टेज यूथ कम आल प्रॉब्लम गसान तथ ख क्या तम तथ ख जो हमारा कैपेसिटर रहता है। जनरली अगर हम कैपेसिटर यूज करते हैं, जो हम हमारे इलेक्ट्रिक फैंस में सीलिंग फैंस में यूज करते हैं, वो रहता है 2.5 माइक्रोफेरड। क्या रोजान 2.5 माइक्रोफेरड, हाँ चैट बॉक्स में मैं लिखता हूं 2.5 माइक्रोफेरड। ठीक है, अगर तुम बसान नसा अट पे चलान कहीं, इसकी एक फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला के बेस पे आप क्या कर सकते हो, किसी ने ये क्वेश्चन अभी बताया था, मैंने नाम नहीं देखा, तो आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, उस फार्मूला का यूज करना है। फार्मूला मैं आपको बता देता हूं क्या है, अगर जिस बच्चे ने क्वेश्चन उठाया था वो अगर अवेलेबल है तो उसके लिए बेस्ट है, सो ये गैरी वनी यूज करे। आपको C इज इक्वल टू P इंटू N इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू एफ। मतलब आप कैसे ये यूज करोगे कि मैं कौन सा कैपेसिटर यूज करूं, ठीक है, बुकुसू कैपेसिटर लाग, आप क्या करोगे सी इज इक्वल टू पी इंटू एन इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू एफ। P मतलब क्या रहता है, इसका पावर वाटेज, जो फैन अमिक वाटेज क्या, फॉर एग्जांपल ये 70 वाट का है, ठीक है, मिलो 70 इंटू एन मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी नॉर्मली अगर हम देखेंगे फैंस की जो रहती है वो 80 रहती है शीत, 70 इंटू 80 इंटू 1000 मुझे लिखना ही लिखना है डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब इनपुट वोल्टेज, यहीं पे आपको फैक्टर डिटरमाइन करना है मैं कितना चाहिए इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल अगर 220 है मेरे पास इनपुट वोल्टेज, एक्चुअल इनपुट वोल्टेज 220 का स्क्वायर इंटू 50, जो वहां पे रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर कैपेसिटर। किस कौन सा कैपेसिटर, फॉर एग्जाम्पल मैं कैलकुलेटर अभी यूज करूंगा, स्क्रीन आपके साथ शेयर हो रहा है ना? Yes, sir. देखो मैं कैलकुलेटर का यूज करता हूँ, दीज आर द बेसिक थिंग्स, इंजीनियर इन्हीं चीजों से बनते हैं, तमिशन पर वाइंडिंग कॉयल बनाऊ इनकी हटाई थे, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए मुझे काम क्या करना है। देखो मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, दिस कम्स इन द डिजाइन स्टेज, ठीक है, डिजाइन स्टेज में यही चीजें करनी पड़ती है। देखो 70 इंटू 80 इंटू 1000 इट इज 5 टाइम इज 0, मैं यहां पे लिख लेता हूं 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइडेड बाई इसके बाद 220 इंटू, क्योंकि ये 220 स्क्वायर है, ठीक है, इंटू 50 That is equal to 242, 4 times 0, 242, 4 times 0, 1, 2, 3, 4. अब अगर मैं कैलकुलेटर में डिवीजन करूं, सिंपल डिवीजन 5, 6, 1, 2, 3, 4, 4 times 0 डिवाइडेड बाई 242, 1, 2, 3, 4 times 0 means 2.31 माइक्रोफेरड का कैपेसिटर मुझे यूज करना है, इसीलिए जर्नल में हम 2.5 माइक्रोफेरड का यूज करते हैं। कह तरह नहीं समझ? Yes, sir. महराजदीन जावेद, yes, sir, yes, sir. Thank you, sir. समझ आ गई मेरी? जी सर, जी सर। हाँ,
अब सीधी सी बात है यूथु ये तलिम रकम 220 यूथु ये काम गच मान के चलो मेरी इनपुट वोल्टेज 120 ही है ठीक है गो अगर मैं 120 छ गो बुच वन फॉर एग्जांपल मैं फिर से स्क्रीन दिखाता हूं वैसे शेयर्ड है मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूं मैं लिखता हूं 120 × 120 × 50 मींस 72 और 4 टाइम्स 0 ठीक है मैं इस जो मेरे पास ये है इसको डिवाइड करता हूं जो मेरे पास पहले मिला 5 6 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 7 2 1 2 3 4 मींस मेरा जो कैपेसिटर है नहीं गलत हुआ कुछ किसी जगह सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा स्क्रीन नहीं है सर आपका स्क्रीन ठीक है मैं कर रहा हूं हां अब आ रहा होगा है ना हाँ, जी सर जो पहले मैंने कैलकुलेशन की उसके हिसाब से मुझे आ रहा था 2.31 माइक्रोफैराड ठीक है अगर अब मैं क्या करूंगा जो नीचे वाला है ठीक है वन उसमें 220 वोल्ट लोक मेंशु गैरीमा अखदाहाय वोल्ट ठीक है तो क्या होगा मींस जो मेरा कैपेसिटर साइज है वो डबल हो जाएगा गैसा कि ना यस सर सीधी सी बात है 5 6 4 × 0 डिवाइड जब हम डिवाइड करेंगे और नीचे जितना जितना वैल्यू कम होगा उतना मेरा आउट ज्यादा आएगा सो दिस इज द बेसिक फार्मूला व्हिच यू हैव टू यूटिलाइज व्हाइल सिलेक्टिंग ए कैपेसिटर साइज इसीलिए कभी कभार हम क्या करते हैं घरों में अच्छे फैन आसा लाइट चलान अच्छा मैं वहीं क्यों करो सुशु दबान इस कैपेसिटर वाले तू करियो काम इलेक्ट्रिशियन होता है वो कहता है ना अथ कैपेसिटर खराब नहीं होता है कैपेसिटर का क्या होता है कि कैपेसिटर की कैपेसिटी उतनी ही रहती है तो हम क्या उसमें करते हैं तो हेचू इवन कैपेसिटर पैरेलल त लगे तो एन्यू ब्या कैपेसिटर तमी रेटिंग यून सुकरियो तत यम फार्मूला से कैलकुलेट जो मैंने आपको बताया C इज इक्वल टू P इनटू N इनटू 1000 डिवाइडेड बाय V स्क्वायर इनटू F V युक वैल्यू छु तो पानस नाइन लगाउन तो अखर 10 छ त तो सप्लाई घरन मन 120 की सप्लाई है 200 की सप्लाई है व्हाटएवर विल बी द सप्लाई उसके हिसाब से आप सप्लाई वोल्टेज डालोगे जो आपको वैल्यू आएगा उसी के हिसाब से आप सिंगल कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो आप पैरेलली दो कैपेसिटर भी यूज कर सकते हो इट विल डिपेंड ऑन यू इस ये चीज समझ आ गई आपको यस हाँ ये बिल्कुल इजी है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये इजी है आपको सीधे डिटरमाइन हो जाएगा कि हमें कौन सा कैपेसिटर इसमें यूज करना है ठीक है अगर आप कैपेसिटर में मान के चलो आपको कैपेसिटर ठीक है वन जून तौर फैन चलाएं किन देन इट मींस देयर इज शॉर्ट इन वाइंडिंग देयर इज फॉल्ट इन वाइंडिंग तो वो सीधे ही आपको इजिली चेक हो सकता है वो आप कैसे चेक करोगे ठीक है कॉमन सेंस की बात है आप सीधे चेक करोगे जब क्योंकि आप कनेक्शन खोलोगे तो आपको कनेक्शन क्या मिलेंगे आपको चार तारे मिल जाएगी दो हमारे पास इसकी स्टार्टिंग वाइंडिंग की होगी और दो हमारे पास रनिंग वाइंडिंग की होगी जब आप दो वायरस को कनेक्ट करोगे यू बाई मीन्स ऑफ मल्टीमीटर और सीरीज टेस्ट लैम्प वो ग्लो होनी चाहिए अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग उनको ग्लो और स्टार्टिंग वाइंडिंग के दो आपस में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मतलब दो आपस में उनको चेक कर रहा हूँ अगर वो दोनों बाई मीन्स ऑफ मल्टीमीटर चेक हो रहे हैं तो दैट मीन्स की जो हमारी जो वाइंडिंग है स्टार्टिंग वाइंडिंग दैट इज ओके अगर अदरवाइज वो दो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ विद सीरीज टेस्ट लैम्प तो क्या होगा कि उसे अगर वो ग्लो नहीं होगा दैट मीन्स जो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो फॉल्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आई विल शो यू हाउ देखो जैसे मेरे पास ये एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है इसकी दो तारे हैं इसी तरह मेरे पास ये रनिंग वाइंडिंग है इसकी दो तारे निकली होंगी यूथी बस सीरीज टेस्ट लैम्प आना बकार यूम्स कनेक्ट What will happen? Lamp should glow. अगर lamp glow नहीं हुआ, तेल चुम्मे शोद या सच है starting winding से खराब. Same हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखना है. और एक टेस्ट इसमें हो सकता है short circuit test. Short circuit test में हम क्या करेंगे? इस विषय यमन दोन. यह ती यह माशु पान में continuity हवा by multimeter और by series test lamp. अगर series test lamp यह पर ती glow go. What it means कि जो मेरा ये क्वायल है इसमें क्वायल में ही अंदर शॉर्ट है अच्छा मियां समझता रहा yes, सर कैपेसिटर को कश्मीरी में क्या बोलते हैं ये क्या चंपा कैपेसिटर क्या कश्मीर पे
कंडेंसर इसको दूसरा नाम है, कंडेंसर शुद्धापान, कंडेंसर बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसर शुद्धापान वंचन पाई मतलब कौन क्या बताया कैपेसिटर ना, मतलब आप कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं, वारी अच्छी कंडेंसर इंग्लिश ना हुई हाँ, मतलब अब क्या पता क्या आसन बे के अंदर कैपेसिटरस के इतिहाकन दे पे, जैसे फैन है, फैन को तो कश्मीरी में भी फैन बोलते हैं। हाँ फैन, फैनुक अगर ईजाद तो वो ना ईजाद, फैनुक अगर ईजाद तो वो 17th सेंचुरी में इसको इंडियंस ने ही पहले दिया था, तम साथ इस दपान थे पंखा था, क्या इस दपान पंखा यूसो अथ सित पत किन बहुत चीज इस ना नाचनावान तथा इस दमा पंखा, हिंदी में भी पंखा ही बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है। बट कैपेसिटर को मुझे नहीं लगता कैपेसिटर की कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसे होगी कि वो कश्मीरी में, मतलब फिर भी मैं देख लूंगा बकार किस दोन से कात मैं देखता हूँ कि हम आसिमो आते थो मत ना पानी हिसाब जैसे नॉर्मली प्लायर को हम प्लास बोलते हैं चुना दापान, तो कुछ सिमिलरिटीज रहती रहती हैं कि वर्डिंग क्या रलान आसान है मे बी है कि ऐसे। बाकी आज का जो टॉपिक है इसमें कोई इशू है तो आप बताओ कहाँ पे आपको डाउट है। नहीं सर, ये जो कैपेसिटर हम दो को एक साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो उसका जो माइक्रोफेरड है ना वो इंक्रीज हो जाता है ना। हाँ और क्या, तो उसके उस तो उसकी वजह से जो हमारी फैन की स्पीड पकड़ लेगा ना हमारा फैन। हाँ हाँ मतलब आपको उसमें लेकिन फॉर्मूला यूज करनी है ना, व्हेन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल में आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज इन सीरीज, व्हाइल एज इन केस ऑफ इंक्रीज वो डिक्रीज हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। सर हमारा स्टेशनर कब होगा अब? अब ये है कि मान के चलो आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है, सो अगर 2.5 माइक्रोफेरड अगर तो बासान छु ना इशू कुन हकान काम दित के, यू कैन बाय अनदर वन एंड कनेक्ट बोथ टुगेदर, वो दोनों डबल कैपेसिटी में दे देंगे, ठीक है। बट ए सेल पुराना लाओ, ये जरूरी नहीं है कोई भी आप यूज कर, हाँ चलना चाहिए सुकृत पटकारक से टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया दो टर्मिनल उठाने हैं आपने पावर सॉकेट में डालने हैं, वहां पे फिर शॉर्ट एक हिसाब से करना है, अगर स्पार्क उठी मींस ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, उसे हमें ये पता चल रहा है कि ये चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, अदरवाइज जब ये चार्ज ही नहीं होगा तो मतलब कैपेसिटर का काम एक्चुअली क्या है, कैपेसिटर चुकरान एक हिसाब से मान के चलो जो हमारा सीलिंग फैन रहता है इसको हम एक ड्यूअल फेज बना लेते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर, हम कैपेसिटर को एक तरफ से फेज देते दे दें एक कॉइल को और दूसरी तरफ से कॉइल को दूसरा फेज दे देते हैं, उससे क्या हो जाता है इशू करान करंट लीड लैग शायद गसांद्र, ठीक है, उस लीड लैग की वजह से क्या हो जाता है जो रोटेटरी मोशन है रोटेटिंग फील्ड हमारा है रोटेटिंग फील्ड बन जाता है, अदरवाइज कैपेसिटर नचने सिंगल फेज एस्पेक्ट के, दैट इज द मेन रीजन वाई वी यूज कैपेसिटर इन अवर मोटर एज वेल, ठीक है, मोटर तेली नचान यु तथ अगर वो हर कहीं तथा कैपेसिटर लगे पेट कहीं, अगर ना कैपेसिटर आज कहीं सू नचने तेल कहीं सू कर हमिंग साउंड बजिंग साउंड कर, बट तथ पक अंदर उस रोटर होता है हमारा वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि रोटर को चलने के लिए एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए हमें वैसी सप्लाई उसको देना पड़ेगा कि एकिस अगर नॉर्थ बने बेकिस बने सो साउथ पोल, मतलब नॉर्थ साउथ जब बनेगा वो एक ही टाइम पे बन जाएगा वो घूमेगा नहीं, तो हमें अल्टरनेट फील्ड बनाने के लिए नॉर्थ को गोनेट बनो साउथ को बेकिस जाए बेकिस पोलस बनो तेल नाचसो। कोई क्वेश्चन आज के टॉपिक के रिलेटेड? बाकी फार्मूला आप याद रखना, सी इज इक्वल टू पी इनटू एन इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इनटू एफ, ठीक है, P मतलब आपके पावर जो वाट्स में होगा इस फैन का जो होगा, N मतलब एफिशिएंसी 80 रखते हैं नॉर्मली, 1000 पता है, V स्क्वायर आपकी वोल्टेज हो गई, F फ्रीक्वेंसी 50 रखनी है। आई थिंक वी हैव लेस देन 1 मिनट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक उठाएंगे, अगर किसी को कोई डाउट होगा और शी कैन कॉल मी सर, यार डाउट इज क्लियर। हेलो क्या सर हमारा सेशन कब होगा? सर सेशन इंशाल्लाह कल, मैंने बताया ना 4 बजे। चलो ठीक है सर।